तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कालिदास क्या थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो कालिदास थे वह इनमें से क्या थे। इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी गुप्त काल के कवि थे। आपको बता दें दोस्तों कि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन संस्कृत के महान विद्वान एवं कवि थे, और इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। और इस प्रकार कालिदास गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि थे, और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध थे। आपको बताना है कि जो आर्यभट्ट थे वह भारत के प्रसिद्ध क्या थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गणितज्ञ। आपको बता दें मित्रों कि आर्यभट्ट गुप्त काल में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, और इन्होंने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली विश्व को प्रदान की, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया? आपको बताना है जो कि इनमें से कौन सा गुप्त शासक जो था जो शांति प्रिय और वैदेशिक संबंध स्थापित किया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कुमार गुप्त। आपको बता दें दोस्तों कि कुमार गुप्त का लगभग 40 वर्ष का शासनकाल शांति सुव्यवस्था का काल माना जाता है, और समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था उसे कुमार गुप्त ने सुसंगठित एवं सुशासित बनाए रखा, तथा उसने वैदेशिक संबंध को भी स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चीनी यात्री वेन सांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और मैक्सिमम बार रिपीट होता है दोस्तों, मार्क कर लीजिएगा। आपको बताएं जो चीनी यात्री वेन सांग था वह किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी हर्षवर्धन। आपको बता दें दोस्तों कि चीनी यात्री वेन सांग 629 से 644 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में रहा, तथा देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया, और भारत में इसने अनेक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया, और कन्नौज की धर्म सभा का वह अध्यक्ष था जिसका उद्देश्य महायान बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना था, और उसने सी यू की नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस बौद्ध संत और चीन से भारत आए तीर्थयात्री में बौद्ध धर्म की पवित्र रचनाओं का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी आई चिंग। आपको बता दें कि इचिंग, जिसे हम इचिंग भी कहते हैं, इसने 700 से 712 ईस्वी के मध्य लगभग 56 ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया, और वेन सांग के पश्चात इत्सिंग ने भारत की यात्रा की थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तख्त देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे कहा है? यानी आपको बताना है कि किस विदेशी यात्री ने कहा था कि तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी वेन सांग। आपको बता दें कि चीनी यात्री वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, और उसकी भारत यात्रा का वृत्तांत सी यू की नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न यात्रियों का सही कलानुक्रम क्या है? यानी आपको बताना है इनमें से कौन सा सही कलानुक्रम है, यानी भारत में जो यात्री आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वेन सांग, इत्सिंग और थॉमस रो। आपको बता दें दोस्तों कि जो वेन सांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और इत्सिंग की बात करें दोस्तों तो यह 700 से 712 ईस्वी के मध्य आया था, और थॉमस रो की बात करें दोस्तों तो यह मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का प्रतिनिधि था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हर्षवर्धन ने शासन किया था। आपको बताना है कि जो हर्षवर्धन था उसने कब शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 7वीं शताब्दी के दौरान। बता दें कि पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी के दौरान 606 से 47 ईस्वी तक शासन किया था, और इसकी राजधानी कन्नौज थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो हर्ष की आत्मकथा थी वह इसमें से किसने लिखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी वाण भट्ट ने। आपको बता दें दोस्तों कि हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की, जो वर्धन इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत है और इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। और इसमें 8 उपछवास हैं। प्रथम 3 में बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी तथा शेष 5 में सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है, बताना है कि हर्षवर्धन द्वारा इनमें से कौन सी रचित नाटक है। इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी रत्नावली। आपको बता दें दोस्तों कि हर्षवर्धन ने 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंदा की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था। आपको बताना है कि जो हर्षवर्धन था वह इनमें से किसे हराया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पुलकेशिन द्वितीय। आपको बता दें कि हर्ष और पुलकेशिन के बीच 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई, परंतु सुधाकर चट्टोपाध्याय का विचार है कि इन दोनों राजाओं के बीच होने वाला अंतिम युद्ध नहीं था और 643 ईस्वी में हर्ष का कोंगोद पर आक्रमण पुलकेशिन के विरुद्ध था, जिसको जीतकर हर्ष ने अपनी पुरानी पराजय का बदला चुकाया तथा पुलकेशिन के कुछ प्रदेशों पर अधिकार भी कर लिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि जो हर्षवर्धन के काल में एक बड़ा बौद्ध मठ था वह इनमें से कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी नालंदा। आपको बता दें दोस्तों नालंदा बौद्ध मठ गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित कराया था और वह हर्षवर्धन के राज्यकाल में भी स्थित था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन था। आपको बताना है इनमें से कि कौन बंगाल का समकालीन था हर्ष के समय में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी शशांक। आपको बता दें दोस्तों कि कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के समय बंगाल का समकालीन राजा शशांक था और शशांक को बंगाल के यशस्वी शासकों में गिना जाता था और इसकी राजधानी करण सुवर्ण थी, जिसकी पहचान मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत रांगा माटी नामक कस्बे से की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिम बार एग्जाम में पूछा है कि जो हर्ष के काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कन्नौज। आपको बता दें दोस्तों कि कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुम्बज था, जो ब्राह्मणों का भी केंद्र था और कन्नौज के वैभव का युग 7वीं सदी से प्रारंभ हुआ जब हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया और इससे पूर्व यह मौखरी वंश की राजधानी थी और हर्ष के समय यह नगरी हिंदू बौद्ध विद्या और शिक्षा की केंद्र स्थली थी और 7वीं से 12वीं सदी तक इसका अनवरत विकास होता रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गंगो की प्रथम राजधानी थी। आपको बताना है कि जो गंगो थे उनकी प्रथम राजधानी क्या थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कोलर। बता दें कि जो गंगो की प्रथम राजधानी कोलार यानी कोलर थी, जो बाद में तलककाडू हो गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कामरूप किसका प्राचीन नाम है। आपको बताना है कि जो कामरूप है इनमें से किसका प्राचीन नाम है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी असम का। बता दें कि असम का ही प्राचीन नाम कामरूप था और असम का एक प्राचीन नाम प्राग ज्योतिष पुष है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है कि जो बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी गोपाल। आपको बता दें दोस्तों कि बंगाल के पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में की थी और बंगाल की अराजकता को देखकर बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों ने गोपाल को शासक के रूप में चुना था और गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बंगाल का प्राचीन नाम था।
अब आपको बताना है, अभी मैंने बताया कि इसमें से बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गौड़। आपको बता दें कि जो बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था, और कहा जाता है कि इस प्रदेश से प्रचुर मात्रा में गुड़ का निर्यात होने के कारण इसे गौड़ कहा जाता था, और 9वीं-10वीं शताब्दी में यहाँ पाल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, महान तमिल साहित्य सिलप्पडिकाराम के रचयिता कौन है। आपको बताना है कि जो महान तमिल साहित्य सिलप्पडिकाराम है उसके रचयिता इनमें से कौन है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी इलिंगो। बता दे दोस्तों कि सिलप्पादिकारम की रचना इलिंगो अदिंगल ने की थी, और यह चेर शासक सेन गुट्टुवन का छोटा भाई था, और इस ग्रंथ में पुहार के एक प्रसिद्ध धनी व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उनकी पत्नी कन्नगी की कहानी का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, तमिल रामायण कृति है। अब आपको बताना है कि जो तमिल रामायण कृति इनमें से कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कंबन की। बता दे दोस्तों कि चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल के प्रसिद्ध कवि कंबन ने तमिल रामायण अथवा रामावतारम की रचना की, और यह तमिल साहित्य का महाकाव्य है, और इसकी कथा वाल्मीकि रामायण की कथा से मिलती जुलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से चोल राजा कौन है जिसे गंगईकोंड कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी राजेंद्र चोल। बता दे दोस्तों कि राजेंद्र प्रथम ने पूर्वी भारत में गंगा नदी तक सफल सैनिक अभियान के पश्चात गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा चोल राजा था जिसने श्रीलंका पर कब्जा किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजेंद्र। आपको बता दें दोस्तों कि चोल राजा राजराज प्रथम ने सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार कर अनुराधापुर के स्थान पर पोलोन्नरुओ को अपनी राजधानी बनाया, तथा इसका नाम जननाथ मंगलम रख दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। आपको बताना है कि इनमें से चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी राज राजा द्वितीय। आपको बता दे कि राज राजा जो प्रथम का शासनकाल था तो यह 985 से 1015 ईस्वी तक था। इसी तरीके से राजेंद्र द्वितीय का जो शासनकाल था वह 1052 से 1064 ईस्वी था, और राज राजा द्वितीय का जो शासनकाल था वह 1150 से 1173 ईस्वी था। और बात करें हम पुलकेशिन द्वितीय की, तो पुलकेशिन द्वितीय का 610 से 642 था, लेकिन यह चोल वंश का अंतिम राजा राजा द्वितीय था, जबकि पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 ईस्वी चालुक्य वंशी शासक था। यानी यह चोल वंश का नहीं था, कौन सा था, तो चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए। आपको बताना है कि किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चोल। बता दें कि चोल शासक अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए काफी प्रसिद्ध था, और ग्रामों में मुख्यतः दो तरह की संस्थाएं कार्यरत थी, पहली उर तथा दूसरी सभा या महासभा। उर की बैठकों में सभी ग्रामवासी सम्मिलित होते थे, दूसरी संस्था सभा या महासभा अग्रहार यानी ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों में होती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति था। यानी आपको बताना है इनमें से किस शासक के पास नौसैनिक शक्ति था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी चोलों के पास। बता दे दोस्तों कि दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य था, और इसकी नौसैनिक शक्ति बहुत प्रबल थी, और इसकी सहायता से चोलों ने जावा, सुमात्रा, मालदीव, श्रीलंका इत्यादि साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।